हाय गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल एज वी लव इट। मैं हूं सुष्मिता और जैसा कि आपको पता है, आपने मेरे पहले के व्लॉग्स देखे हैं अस्यूमिंग, मैं हूं गुवाहाटी असम में मेरे घर में और आज हम लोग निकल रहे हैं कामाख्या माँ के दर्शन के लिए। सो बहुत सुबह का टाइम नहीं है, इट्स ऑलरेडी 8:15। कैब बुक की है, हम लोग जाएंगे कामाख्या गेट तक, उसके बाद हम जाएंगे चल के ऊपर कामाख्या माँ की तरफ। मैंने कुछ मांगा था और वो पूरा हो गया और इसलिए मैंने बोला था कि मैं अगर वो हो गया तो मैं चल के जाऊंगी, उसमें चल के जाऊंगी और जैसे ही जैसे हम जाते रहेंगे मैं आपको बताती रहूंगी क्या है, कैसे है, सब कुछ सा सिग्निफिकेंस कामाख्या माँ का। तो फिर चलिए मेरे साथ कामाख्या माँ के दर्शन के लिए। ये आमी आही पाइसु नीलाचल पर्वत तललै। नीलाचल पर्वत आसे कामाख्या माँ। सो हम चल पड़े हैं, अभी हम पहुँच गए हैं अभी नीलाचल पर्वत। ये जो पर्वत आपको दिख रहा है पूरा, ये उसका चलने का रास्ता है। अभी हम चलेंगे स्टेप्स के रास्ते से, गाड़ी वैसे फुल गाड़ी जाती है ऊपर तक, रास्ता बहुत ही अच्छा है ऊपर तक का, बट मैंने मांगा था कि मैं चल के जाऊंगी तो मैं चल के जाऊंगी। कोई भी जर्नी गणेश जी को प्रणाम किए बिना शुरू नहीं होती, तो यहाँ पे भी सबसे पहले है मेरे गणपति बाबा का मंदिर, तो यहाँ पे हमने प्रणाम किया, पीछे शिवलिंग भी है शिव जी का मंदिर, और दोबारा से चल पड़े मेरी जर्नी की तरफ। शुरुआत में तो काफी एनर्जी है आप दोनों के पास, अब आगे जाके देखते हैं होता क्या है। अभी है ऊपर, अभी हम बस 20-30 स्टेप से चढ़ के आए हैं। आप लोगों ने मेरे इससे पहले वाले ब्लॉग में देखा था कि 2-3 दिन पहले क्या तूफानी हेल स्टॉर्म हुआ था, तभी ये सब डैमेज हुआ है, पेड़ रास्ते में गिरा था और हम ऐसे पेड़ के नीचे से गए। अब मैं आपको बताती हूँ कामाख्या माँ के बारे में। नाउ लेजेंड से दैट शिवा शिवजी वॉज डिवास्टेटेड एंड एंग्री आफ्टर द डेथ ऑफ सती सती जी, एंड ही वॉज डांसिंग ऑल अराउंड, डांसिंग इन द सेंस तांडव कर रहे थे हर जगह माँ सती को अपने हाथ पे कैरी करते हुए। नाउ एट ड्यूरिंग दैट टाइम different parts of her body fell in different places and each of such places have now they have Shaktipeeth. At Kamakhya, Ma's yoni, that is her genital and her womb fell. So till today, Kamakhya temple observes an annual festival known as Ambubasi Mela. It is the celebration of the yearly menstruation course of goddess Kamakhya. It is celebrated during the monsoon season around the mid of June. There is no idol of the presiding deity, but she is worshipped in a form of yoni like stone over which a natural stream flows. अब हम आ पहुंचे हैं almost कामाख्या माँ की गेट की तरफ, मतलब मेन एंट्रेंस की तरफ, and we were followed by this cute little puppy. ये hardly 1 महीने का होगा और बहुत ही हेल्दी पपी है ये, and enter कर रहे हैं गेट की तरफ, hardly few more steps और पपी अभी भी follow कर रहे हैं। I want to take him home but कैसे ले जाऊँ, देखिए 76। तो यहाँ से अभी हमने अपना एंट्री कूपन लिया है क्योंकि बस सेकेंड डोज, मतलब डबल डोज वाले को ही अलाउ कर रहे हैं मंदिर के अंदर, कि प्रॉपर सिस्टमेटिक वे से बना हुआ है। वहाँ पे थोड़ा सा भीड़ हो गया है उस एरिया पे, लेकिन लोग सर्टिफिकेट दिखा रहे हैं फिर अपना एंट्री कूपन कलेक्ट कर रहे हैं। और ये भी एक शिव जी का मंदिर है। आशीष चले, कूपन ले लिया है, अभी हम चलते हैं कामाख्या माँ के दर्शन के लिए। मंदिर के आसपास बहुत सारे छोटे छोटे शॉप्स हैं जहाँ लाइक हर मंदिर के आसपास होते हैं, और मैं आपको दिखाती हूँ इंटरेस्टिंग चीज। रुके रुके, ये देखिए, ये है रुद्राक्ष। तो रुद्राक्ष ऐसे छोटे से फ्रूट की तरह होता है, फिर आप उसको निकालते हो एंड रुद्राक्ष निकल जाता है। नाउ कमिंग बैक टू आर अंबुबासी स्टोरी, मेला इज ऑब्जर्व फॉर 4 days, वेयर द फर्स्ट 3 days द टेम्पल रिमेन्स क्लोज। It is believed that Ma takes rest for 3 days, similar to woman during menstruation. Now, after 3 days, the Devi Kamakhya is bathed and other rituals are performed before the doors of the temple are reopened for devotees. I visited Kamakhya Ma during the month of February, but the rules of COVID have changed everywhere, so please check before visiting. Now, this stairs that you see, this will lead straight to the temple, and there are approximately 150 stairs here. एंड नाउ वी हैव स्टॉप टू बाई समथिंग फॉर माँ, लाइक जो आप ऑफर करते हैं उनको ना, तो वो सब हम लेने के लिए रुक गए थे। एंड यहाँ पे बहुत ही क्यूट क्यूट सा बहुत सारा सामान है। सो हमने भी दिया बाती फूल और थोड़ा सा सुहागन का सामान लिया है माँ को चढ़ाने के लिए।
वो गुस्सा भी आता है मेरे ही बहुत खराब होता है। ये माघ का महीना है ना, माघ का महीना सब लोग सुनते हैं। Structurally, Kamakhya Temple is dated to the 8th or 9th century with many subsequent rebuildings. The current structure that you see is from the 16th century and the style of construction is called Neelachal style. आप ये जो डोम देख पा रहे हैं ये है मंदिर का गर्भगृह। गर्भगृह के अंदर कैमरा अलाउड नहीं है लाइक एवरी अदर टेम्पल इन इंडिया। आपको मंदिर के बाहर ही बहुत सारे पंडित जी जिसको एक्सेस में देव बोलते हैं वो मिल जाते हैं। अगर आपको उनके थ्रू पूजा करानी है, डिटेल में पूजा करानी है तो आप करा सकते हो। हमने अपने आप से ही पूजा किया था और यहाँ साइट में अभी आपको दिखेगा हमने अपने जो दिए हैं और जो अगरबत्ती है ये अलग से जगह बनाया हुआ है ताकि मंदिर के अंदर भीड़ ना हो। तो यहाँ पर हमने भी अच्छे से सब कुछ कर लिया, जला दिया है। तो ये जो आप येलो ग्रिल का दरवाज़ा देख रहे हैं वहाँ से हमने अपने टिकट्स कलेक्ट किए हैं जो है 500 रुपीज़ पर हेड। अगर आपको VIP एंट्री चाहिए अदरवाइज आप लाइन पे लग के भी आराम से देख सकते हैं। मेरे पास इतना टाइम नहीं था, मैं आधे दिन की छुट्टी पे छुट्टी लेके आई थी तो फिर मैंने ये टिकट ले लिए थे और फिर हम लोग गए थे। अभी जो आप देख रहे हैं यू कैन सी यू नो ये है लाइन, ये अंदर अंदर बहुत सारे लोग खड़े थे। मैं आपको अच्छे से दिखाती हूँ। ये देखिए ये जो ऊपर वाला एरिया है ना वहाँ से लाइन शुरू होती है, शुरू तो काफ़ी आगे होती है बट वहाँ से आके लाइन ये जो गर्भगृह दिख रहा है वहाँ तक जाती है और बहुत भीड़ थी। हमने कर लिया है कामाख्या माँ के दर्शन और बहुत ही प्यार से बहुत ही सुकून से दर्शन हुआ है। काफ़ी भीड़ थी लेकिन बहुत ही अच्छे से मेंटेन किया हुआ है। अब मैं आपको ये जो पूरा डोम है वो घुमाती हूँ। आप जब भी कामाख्या में आएंगे आपको दिखेगा कि बहुत सारे कबूतर और गोट ऐसे बहुत सारे घूमते रहते हैं। सो बेसिकली जो बलि प्रथा है वो अभी भी यहाँ पे जारित है, लोग करते हैं। आई डोंट बिलीव इन दिस बट येस इट इज स्टिल परफॉर्म हियर। एंड यहाँ पे लोग आके उनको बहुत लोग क्या करते हैं उनको आके यहाँ पे छोड़ देते हैं भगवान के नाम पे, मारते नहीं है बस उनको छोड़ देते हैं और दाना पानी इनको मिल ही जाता है बिकॉज जो भी डिवोटीज आते हैं सब उनको खिलाते पिलाते रहते हैं तो देख के अच्छा तो लगता है। होती है ना और अलाउड वहाँ हमने कामाख्या माँ के डोम का पूरा एक चक्कर लगा लिया है और यहाँ पे मैं ये विश करती हूँ कि जो भी ये ब्लॉग देख रहा है, जो भी कामाख्या माँ से कुछ भी मांगता है सबकी मनोकामनाएं पूरी हो और सब लोग आए माँ के दर्शन के लिए। अभी हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं टूवर्ड्स बुगला मुखी मंदिर। तो यहाँ से बस 5 मिनट का रास्ता है एंड चलिए मेरे साथ मिलने बुगला मुखी माँ से।
बोगलामुखी माँ नॉलेज की देवी है। यहाँ पे हर बच्चा अपने एग्जाम के पहले नॉलेज और विजडम मांगने जरूर आता है। मैं भी आई हूँ, और जितने भी स्टेशनरी होती है ना, रबर पेंसिल व्हाटएवर, सब की पूजा करके हम लोग लेके जाते थे, और उसी पेन पेंसिल से हम लोग एग्जाम देते थे, लिखते थे। यह है नेचुरल सिंदूर, और इस पावर के सीट को दबाने से ऐसे सिंदूर निकलता है, और मैंने भी ले लिया था माँ को चढ़ाने के लिए। ऐसा दिखता है सिंदूर का फ्लावर। तो यहाँ पे हर जगह दिया बाती करने की जगह अलग से है मंदिर के बाहर, विच इज़ वेरी गुड। और सब कुछ येलो येलो आपको दिख रहा होगा, क्योंकि बोगलामुखी माँ का फेवरेट कलर है येलो, और लोग बहुत सारे लोग येलो पहन के भी आते हैं, और पूरा मंदिर येलो कलर से है। हमारे हो गया है अच्छे से दर्शन, हमने कामाख्या माँ का भी और बोगलामुखी माँ का भी दर्शन कर लिया है। अंदर मतलब गर्भगृह में कैमरा ले जाना अलाउड नहीं है, तो मैं आप लोग को नहीं ले जा पाई, लेकिन बाहर से आप देख सकते हैं मेरे पीछे जो है येल्लो येल्लो वाला, वो है बोगलामुखी माँ का मंदिर। और अब चलते हैं घर। आई होप दैट आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा हो, और आप सभी की मनोकामनाएं जो आपने मांगी है कामाख्या माँ से, सब की पूरी हो। इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ, और अंटिल नेक्स्ट टाइम डू लाइक माय चैनल, सब्सक्राइब टू माय चैनल, एंड थैंक यू फॉर शोइंग सो मच ऑफ लव, एंड सब लोग खुश रहिए, और बाय बाय, सी यू प्रिटी सून।